हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले के अनेक स्थानों पर आज हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा को चार राज्यों में भारी बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत मिलने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांट एक दूसरे को बधाइयां दी। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर, मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम दिवासी के नेतृत्व में आज आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया एवं कार्यकर्ताओं ने नगर में मिठाइयां बांट नगर वासियों को एवं कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए प्रधान एवं महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों और विकास के कार्यों के तहत ये भाजपा को जीत मिली, ये विकास की जीत है। वहीं उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बहुमत में आने से कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर देखी जा रही है और आज भारी आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मनोहर कंवर, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा, जो जीत हुई है बीजेपी की, ये एक ऐतिहासिक जीत है, इसको हम सब अब प्रेरणा रूप लेंगे और ये मोदी जी की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, इसको लेकर हम आगे चलेंगे और बहुत अच्छे बड़े भारी बहुमत से हमने ये जीता है और आगे जो 2023 में हमने पूर्ण तैयारी कर ली है कि इसी तरह हम और सब जगह कांग्रेस का खात्मा खत्म कर देंगे और पूर्ण रूप से बीजेपी को जिताएंगे। क्या इन चुनाव के नतीजों से राजस्थान के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, जरूर पड़ेगा, जरूर भी। इससे बहुत अच्छा हम रिजल्ट देंगे और मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इस तरह महिलाओं, जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हैं विभिन्न योजनाएं चलाई है, उस योजनाओं को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाकर, इस योजनाओं से लोगों का अवगत कराकर एक तरफा राज करवा के हम मोदी जी को जिताएंगे और 2023 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।